हेलो फ्रेंड्स, आज हम इमली और गुड़ की चटनी बनाने जा रहे हैं। तो मैंने 250 ग्राम इमली ली है, वो मैंने पानी में भिगो दी है, और आधा किलो गुड़ लिया है, वो भी मैंने पानी में भिगो दिया है। ये बिल्कुल ये मेल्ट हो जाएगा, फिर हम इसे पकाएंगे। गाइस, हमारी इमली मेल्ट हो गई है, इसको मैंने अच्छे से मैश कर दिया है, और इसको हम अब छानेंगे ताकि ये जो गिटक वगैरह है इसकी सब ऊपर आ जाए। इसको अच्छे से छान, ये देखिए हमारा सारा पल्प ये रेडी है। और इसमें जो थोड़ा बहुत रहेगा वो हल्का हल्का पानी डाल के वो भी इसे बिल्कुल हम अलग कर लेंगे। इमली के पल्प में अब हमने जो गुड़ भी हमने भिगो के रखा था वो भी बिल्कुल मेल्ट हो गया है, वो भी हम अच्छे से छान लेंगे। गाइस, आप ध्यान देना, जब भी हम गुड़ इमली को छानते हैं तो नीचे वो रेत के कण हो रह जाते हैं, काले काले, आप ध्यान से देखना, इसमें रेत रह जाती है। तो इसको 2-3 बार हम ऐसे पकाएंगे और छन्नी से छान लेंगे, और इसको अब हम गैस पे चढ़ा देते हैं। देखिए हम इसको छन्नी से छान रहे हैं, ये 2-3 बार ऐसे ही करना है। ये देखिए गाइस, इसमें हल्की हल्की आपको रेत के कण मिट्टी नजर आ रही है। आप 2-3 बार ऐसे करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए सिम सेक पे हमारी चटनी ये रेडी हो रही है, और ये चटनी आप 6 महीने भी फ्रिज में स्टोर करके रखोगे तो ख़राब नहीं होगी। गाइस, हमारी चटनी रेडी है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें हम मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक और 1/2 ही चम्मच हम काला नमक ब्लैक सॉल्ट ये डालेंगे, थोड़ी सी पीसी काली मिर्च और 1/2 चम्मच हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, और 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। इन सबको डाल के हम अच्छे से मिला देंगे। ये जैसे ही ठंडा होगा बिल्कुल तैयार थिक जैसे हो जाएगी। ये हमारी चटनी रेडी है, दही भल्ले के साथ, बेसन के चिल्ले के साथ, किसी के साथ भी आप ये बनाएंगे तो इतना अच्छा लगेगा टेस्ट इसका, एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है, और अब हम इसमें कांच के जार में डाल के रख दी है। ये 6 महीने तक रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। इसको पकोड़े के साथ, दही भल्ले के साथ, जैसे भी आप चाहे खा सकते हैं। खाएं, खिलाएं, इंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।